नमस्कार दोस्तों, बच्चों को स्पीच डिले की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और आज मैं आपको इसी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो जो सबसे पहली आवाज़ होती है वो होती है रोने की आवाज़। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे वो आवाज़ निकालना चालू कर देते हैं। दोस्तों, जब बच्चा 8 महीने 9 महीने का हो जाता है तो वो अपनी माँ को पुकारता है, माँ या मामा कह के या दादा कह के, और सिर्फ ये 2 शब्द ही वो बोल पाता है। लेकिन जब बच्चा और बड़ा होने लगता है, वो 12 महीने 13 महीने 14 महीने 15 महीने का हो जाता है, तो वो काफ़ी शब्द समझने लगता है। मेरा भी छोटा बच्चा है और वो 2 साल का है, तो जब वो लगभग 12-13 महीने का था तो वो कुछ शब्द समझने लगा था। हालांकि वो मामा पापा ही बोलता था, लेकिन वो जब 13-14 महीने का हुआ तो वो मामा पापा के अलावा भी कुछ शब्द और बोलने लगा। जैसे कि पानी को मम कह के पुकारने लगा, जैसे कि खाना को ख ख कह के पुकारने लगा। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग चीज़ों को कुछ शब्द से पुकारते हैं। हो सकता है कि वो पूरा शब्द ना हो, लेकिन वो चीज़ को वो समझ जाते हैं और उसे वो पुकारने लगते हैं। तो कुछ और शब्द बच्चे बोलने लगते हैं जब वो 12 महीने से लेकर 15 महीने के हो जाते हैं। ये शब्द 1 या 2 अक्षर के ही होते हैं दोस्तों, मामा और पापा के अलावा। जब बच्चा 18 महीने से लेकर 24 महीने का रहता है, मेरा बच्चा भी अभी जस्ट 24 महीने का ही हुआ है, उसका 2रा साल कंप्लीट हुआ है, और वो अब मामा बोल लेता है, पापा बोल लेता है, मामा बोल लेता है, चाचा बोल लेता है, बब्बा बोल लेता है, नाना बोल लेता है, मतलब लगभग सभी फैमिली वालों को पुकार लेता है। साथ ही साथ खाने को यम यम करके बोल लेता है, गाड़ी को पीपी बोल लेता है, बहुत सारे शब्द। लगभग उसके पास अभी 50 से 60 शब्द हैं। तो बच्चा जब 24 महीने का होने लगता है तो कम से कम 50-60 शब्द बोलता है। पूरे पूरे सेंटेंस बना नहीं पाता है, लेकिन शब्द अलग अलग बोल के समझाने की कोशिश बच्चा करने लगता है दोस्त। और जब बच्चा 2 साल से थोड़ा बड़ा हो जाता है, 24 महीने से थोड़ा बड़ा होता है, 25वें महीने 26वें महीने में जाता है, तो वो 2 वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंस बनाने लगता है। जैसे मम दे दे जैसा शब्द बोल देता है, या नहीं नहीं मम नहीं नहीं, तो 2 शब्द को वो मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करता है जिससे सामने वाला अच्छे से समझ सके, और वो सब कुछ समझने लगता है। लगभग हर वर्ड जो आप बोलते हैं लगभग वो समझने लगता है कि उसका अर्थ क्या है और आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा 3-4 शब्द को जोड़ के एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाने लगता है। जैसे कि अगर आपके बच्चे को ये बोलना है कि उसे गाड़ी में बैठ के घूमना है, तो वो बोल सकता है कि पापा गाड़ी में घुमाओ, या फिर यह शब्द को थोड़ा सा और तुतली भाषा में वो 3-4 शब्द को मिला के आपको समझाने की कोशिश करेगा, अच्छे से बताएगा कि गाड़ी में बैठ के उसे घूमना है या उसे भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है। जब बच्चा 3.5 साल का हो जाता है, लगभग 4 साल पहुंचता रहता है, तो वो 1-2 सेंटेंस को मिला के बोलने लगता है, जैसे कि राइम्स बोलने लगता है, पोएम्स। आप 2 सेंटेंस वाली, 3-3 सेंटेंस वाली पोएम्स वो बोलने लगता है, उसे याद होने लगती है और वो दोहराने लगता है, और बाकी आपसे वो बातें भी करने लगता है, लगभग लगभग पूरी सटीक बातें वो करने लगता है। दोस्तों, अगर कोई बच्चा 9 महीने में मामा पापा नहीं बोलता, अगर कोई बच्चा 15 महीने तक भी कोई शब्द नहीं बोलता है, अगर कोई बच्चा 18 महीने तक भी 3 से 6 शब्द भी नहीं बोल पाता है, अगर कोई बच्चा 2.5 साल का है और वो 1 या 2 शब्द को कंबाइंड करके नहीं बोल पा रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वो बोलना क्या चाह रहा है, तो इस कंडीशन को हम डिलेड स्पीच बोलते हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि डिलेड स्पीच क्या है, और काफ़ी लोग अपने बच्चे को बहुत जल्दी बोलना सिखाना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा डिलेड स्पीच के अंतर्गत आता है, तो ऐसा नहीं है। जो मैंने बताया, अगर उसके अंतर्गत आता है तभी वो डिलेड स्पीच है। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं बताऊँगा इसके कॉजेस
कारण, उसके बाद मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं डिलेड स्पीच के कॉजेस। दोस्तों, अगर बच्चे की टंग मतलब जीभ सही से फॉर्म ना हुई हो, यानी उसमें डिफॉर्मेलिटी हो या उसके पैलेट में डिफॉर्मेलिटी हो, जिसके कारण वो जब बात करे तो टंग को सही से मोड़ ना पाए या मुंह अच्छे से ना खोल पाए, या टंग नीचे से चिपकी हुई रहती है, पूरी तरीके से चलती नहीं है, जिसके कारण वो शब्द ना निकाल पाए, उसके कारण भी डिलेड स्पीच हो सकता है दोस्तों। दूसरा कारण है ब्रेन। अगर ब्रेन में जहाँ से हम बोलते हैं, जहाँ से हम सुनते हैं, उन रीजंस में प्रॉब्लम हो तो बच्चे को डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर दिमाग मस्तिष्क की प्रॉब्लम हो तब भी डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा कारण है, अगर बच्चा अच्छे से सुन नहीं पा रहा है, कम सुनता है, डिलेड स्पीच की उसे प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, ऑटिज्म वाले बच्चों को भी डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम होती है, और साथ ही साथ दोस्तों ऑटिज्म वाले बच्चों को भी डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम होती है, और कुछ बच्चों को बिना किसी कारण के, मतलब उनका ब्रेन भी सही रहता है, साथ ही साथ उनके टंग और माउथ भी सही रहता है, पैलेट्स भी सही रहते, लेकिन फिर भी डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम होती है दोस्तों। दोस्तों, ये थे इसके कॉजेस। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है बेरेटाकार। दोस्तों, अगर बच्चा आपका बहुत कम बोलता है, एक या दो शब्द भी बहुत मुश्किल से बोल पा रहा है, और आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता है, जब वो बोलता है तो उसके मुंह से लार निकलती है और उसे ठंडी बहुत जल्दी लग जाती है। टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम, सर्दी की प्रॉब्लम हमेशा होती रहती है। बच्चे को अगर ऑटिज्म की भी प्रॉब्लम है तब भी बेरेटाकार्ब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो डिलेड स्पीच के लिए आप बेरेटाकार्ब 30 CH पोटेंसी में बच्चे को दीजिए, एक बूंद सुबह सुबह दीजिए। डायरेक्टली टंग में भी आप बच्चे को एक बूंद टपका सकते हैं, या आप एक चम्मच पानी में एक बूंद डालिए और उसे बच्चे को पिला दीजिए। सुबह सुबह खाली पेट देना है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं बेरेटाकार्ब के डिलेड स्पीच में दोस्तों। दोस्तों, मेडिसिन है कैल्केरिया कार्ब। दोस्तों, बच्चा अगर काफ़ी मोटा है, काफ़ी थुलथुला है, और साथ ही साथ उसे ऑटिज्म की भी प्रॉब्लम है, मेंटली बहुत वीक है, आईक्यू लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है, और कुछ भी समझ नहीं पाता है, ना ही कुछ बोल पा रहा है, शब्दों को अच्छे से नहीं बोल पाता, शब्द अच्छे से समझ में नहीं आते हैं, और एक शब्द बोलने में बहुत समय लगाता है, ऐसे में डिलेड स्पीच के लिए कैल्केरिया कार्ब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और कैल्केरिया कार्ब 30 CH पोटेंसी में एक बूंद आप शाम के शाम दीजिए। दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, और नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर बच्चे की मेमोरी, स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा कम है, समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा कम है, और बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, जब आप उसे कुछ पूछते हैं तो बिल्कुल डर जाता है, डरने के कारण वो सही शब्द का उपयोग नहीं कर पाता है, और इसके कारण वो शब्द सही से बोल नहीं पाता है, तो अगर ये प्रॉब्लम है तो लाइकोपोडियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और लाइकोपोडियम आप 30 CH पोटेंसी में एक बूंद रात में दीजिए। आप चाहें तो डायरेक्टली टंग में दे सकते हैं, आप चाहें तो एक चम्मच पानी के साथ दे सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको एक बायोकेमिक मेडिसिन भी लेना चाहिए, वो मेडिसिन है कालीफॉस। दोस्तों, कालीफॉस को हम नर्व टॉनिक भी बोलते हैं, ब्रेन टॉनिक भी बोलते हैं। अगर बच्चे को डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम है और आपको कोई भी लक्षण समझ नहीं आ रहे हैं तो आप कालीफॉस दीजिए। कालीफॉस देंगे तो जल्दी से जल्दी डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। कालीफॉस हमेशा 6x पोटेंसी में दीजिए, और उसे आप लगभग 3 से 4 गोली चूसने के लिए दीजिए। छोटी छोटी गोलियां होती हैं, बच्चे चूस लेते हैं, तो 3 से 4 गोली दीजिए, और उसे आप दिन में 3 बार दीजिए, एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, एक बार रात में। दोस्तों, कालीफॉस देने से धीरे 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 बच्चे का ब्रेन और डेवलप होगा, साथ ही साथ डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक
हो जाएगी। दोस्तों सबसे लास्ट में एक और होम्योपैथिक मेडिसिन स्ट्रामोनियम। तो बच्चा अगर शब्द समझता है, शब्द बोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन शब्द सही से नहीं आ पा रहे हैं, शब्द आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं और बच्चा बहुत लेट शब्दों को बोल रहा है, मतलब डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम है, तो स्ट्रामोनियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। स्ट्रामोनियम आप 30 CH पोटेंसी में एक बूंद दीजिए और इसे आप हर रविवार दीजिए। रविवार को आप दिन में कभी भी, मतलब एक बार ही आपको स्ट्रामोनियम 30 बच्चे को देना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके बच्चे की डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम बहुत जल्द ठीक हो जाए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियोज लाते रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिखे तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट में जरूर इस वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों नीचे मैसेज सेक्शन है, जरूर आप मैसेज करिएगा। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और मैसेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।